मूल्यांकन के प्रकार, ठीक है। सतत मूल्यांकन के जो प्रकार है वो दो होते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का पहला जो है प्रकार वो है आंतरिक मूल्यांकन और दूसरा होता है बाह्य मूल्यांकन, ठीक है। आंतरिक मूल्यांकन वो होता है जिसके अंतर्गत एक अध्यापक द्वारा कक्षा के अंदर मूल्यांकन किया जाता है बालक का, ठीक है। और ये जो आंतरिक मूल्यांकन होता है वो एक संरचनात्मक मूल्यांकन भी इसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत अध्यापक द्वारा कक्षा में थोड़े थोड़े समय के अंतराल के बाद, यानी कि हर एक 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जो है एक कक्षा अध्यापक द्वारा जो है यूनिट टेस्ट लिया जाता है, या किसी भी परीक्षा प्रणाली के माध्यम से, चाहे वो किसी भी प्रतियोगिता के माध्यम से हो उनका जो, या किसी प्रतियोगिता के माध्यम से हो गया, या किसी विषय वस्तु का किसी यूनिट मतलब टेस्ट के माध्यम से हो गया, या किसी गतिविधि को और किसी तरीके से जो है कराकर जो शिक्षक है वो उसका क्या करता है, आंतरिक मूल्यांकन लेता है और क्या पता करता है उसकी विषय वस्तु को बालक ने कितना ग्रहण किया और कितना नहीं ग्रहण किया, इन सब चीजों का पता लगाता है। इसी को क्या कहते हैं, हमारा आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। ये आंतरिक मूल्यांकन वो मूल्यांकन होता है जो पूरे ही सत्र चलता है, मतलब शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही रूप में ये जो मूल्यांकन है अपना आंतरिक मूल्यांकन ये पूरे सत्र भर चलता रहता है, जिससे बच्चे की जो है वो योग्यताओं और अर्जित ज्ञान का पता लगाया जाता है, और साथ ही साथ ये पता लगाया जाता है कि एक अध्यापक जो है वो कहाँ तक शिक्षण कराने में सफल रहा, और बच्चों की जो समस्या है उसकी जानकारी भी जो है वो इसी आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा ही पता लगाई जाती है कि बच्चे को जो पढ़ने में है समस्या वो कहाँ पर आ रही है, ठीक है। और क्या किया जाता है, एक शिक्षक द्वारा उसकी समस्याओं का उपचार किया जाता है, उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, साथ ही साथ में एक शिक्षक की कुशलता का भी पता चलता है, ठीक है। और साथ ही साथ में बच्चों को क्या किया जाता है, आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत ही बालक को प्रश्न पोषण दिया जाता है, यानी फीडबैक दिया जाता है, क्योंकि जब वो बालक का आंतरिक मूल्य जब वो मूल्यांकन समय समय पर करते रहेंगे, बारी बारी उसका मूल्यांकन होता रहेगा, तो बच्चों की जो कमियां हैं वो भी सामने आती रहेगी, तो जो एक शिक्षक है वो क्या करेगा, उनको प्रश्न पोषण भी देगा। अगर जिसका बहुत अच्छा था उसे बहुत अच्छा कहा जाएगा, और जिसका सही नहीं जिसमें सुधार किया जाना चाहिए उसे शिक्षक द्वारा क्या है सुधार करने को कहा जाएगा। तो इसी प्रकार से एक शिक्षक की प्रभावशीलता का, उसके शिक्षण का प्रभावी का भी पता चलेगा, साथ साथ बच्चे की जो कमियां हैं वो भी सामने आ पाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ ये चीज होगी कि बालक को मतलब उनके किस प्रकार से सारे शिक्षकों को मतलब और प्रभावी बनाए, मतलब अगर बच्चों में कमी आ रही है तो क्यों आ रही है, यानी कि शिक्षक का जो शिक्षण है वो इतना प्रभावी अच्छा नहीं रहा, तो एक तरीके से शिक्षक भी जो है वो अपने कार्य में क्या करेगा, सुधार लाएगा। तो इसी प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि ये जो आंतरिक मूल्यांकन है वो पूरे ही सत्र चलने वाला मूल्यांकन है, इससे जो होता है एक अध्यापक और शिक्षक के बीच में बहुत ही अच्छा जुड़ाव जो होता है, लगाव जो है जुड़ाव हो जाता है, और साथ ही साथ में बच्चे की सारी ही उसने जो अर्जित ज्ञान किया है उन सब के बारे में एक अध्यापक जो है वो भली भांति जान पाता है, और उसके हिसाब से फिर उनको शिक्षण कराता है, उनका उपचार कर पाता है, ठीक है। बाह्य मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन अब होता है, तो बाह्य मूल्यांकन यानी कि जो कि बाहरी मूल्यांकन होता है, ठीक है। बाह्य मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र का जो मूल्यांकन है वो लिखित, मौखिक या प्रायोगिक परीक्षाओं के द्वारा लिया जाता है, और ये बाह्य परीक्षा यानी कि ये सत्र के अंत में की जाने वाली परीक्षा होती है, ठीक है। इसका जो रूप होता है, बाह्य जो मूल्यांकन होता है इसका जो रूप होता है वो पूर्ण तौर से औपचारिक होता है। औपचारिक इसलिए क्योंकि केवल विषय वस्तु से संबंधित परीक्षा ही ली जाती है, यानी विषय वस्तु से संबंधित ही प्रश्न इसके अंतर्गत होते हैं, और इसीलिए इसका जो रूप होता है बाह्य मूल्यांकन का जो रूप होता है वो कैसा होता है, औपचारिक होता है, ठीक है। अब साथ ही साथ में इसका जो मतलब ये जो परीक्षा होती है वो जो है वो सत्र के अंत में ली जाती है, 2 अध्यापकों द्वारा ली जाती है, और वो अध्यापक उसी विद्यालय के भी हो सकते हैं, और विद्यालय के नहीं है तो किसी अन्य मतलब 2 पर्यवेक्षकों द्वारा भी ली जा सकती है, ठीक है। क्योंकि मतलब ये जो परीक्षा होती है वो किसी और महाविद्यालय में होती है, तो ये इस परीक्षा का जो पूरा जो रूप होता है वो कैसा होता है, एक तरीके से औपचारिक रूप होता है, जिसमें हमेशा ही 2 अध्यापक उपस्थित रहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में ये जो बाहरी मूल्यांकन होता है इसका उद्देश्य क्या होता है, ये जो आंतरिक मूल्यांकन था उसमें तो क्या है, विकास, पूरा ही विकास करना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, नैतिक विकास करना, ये सारे उद्देश्य होते हैं, इसीलिए क्या होता है पूरे सत्र ही आंतरिक मूल्यांकन चलता है। लेकिन हमारा बाह्य मूल्यांकन क्या होता है,
केवल सत्र के अंत में होने वाला मूल्यांकन होता है, इसीलिए इसका जो उद्देश्य होता है वो केवल क्या होता है, परीक्षा को उत्तीर्ण करना, ठीक है, एक व्यवसाय का चयन करना, क्योंकि हम पढ़ते किस लिए है, हम पास होना चाहते हैं, हम क्यों, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हम कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, हम कोई जॉब पाना चाहते हैं, तो बस एक इसका उद्देश्य यही होता है कि एक छात्र जो है वो क्या करना चाहता है, एक उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम की ओर जाना चाहता है, साथ ही साथ में उच्च कक्षा में जाना चाहता है, साथ ही साथ में वो एक अच्छा व्यवसाय चुनना चाहता है, ठीक है, इन सब चीजों के लिए ही ये जो होता है वो क्या होता है, हमारा बाह्य मूल्यांकन होता है, ठीक है। दोनों ही अपनी अपनी जगह प्रभावी है, दोनों का ही अपनी अपनी जगह बहुत महत्व होता है, इसीलिए एक सतत और व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता को माना गया है, स्वीकारा गया है, इसीलिए इसे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, इसीलिए हर विद्यालय महाविद्यालय में क्या होता है, निरंतर ही मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही रूपों में चलती है, ठीक है, जिससे बच्चे का क्या हो, पूर्ण रूप से विकास हो सके। धन्यवाद।